नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अंडों के विषय में। जी हां दोस्तों, अंडा जिसे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है, अंडा जो कि हर कोई खाना पसंद करता है, वो अंडा जो कि आपको जगह जगह दुकानों में मिल जाएगा, काफ़ी सस्ता प्रोटीन का स्रोत होता है और बहुत सारे लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। अंडे के विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कोई बॉयल अंडा खाता है, कोई इसका ऑमलेट बना के खाता है। पर सवाल, कभी क्या आपने सोचा कि किसी भी व्यक्ति को दिन में कम से कम कितने अंडे खाने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अंडा खाने से एक्चुअली में होता क्या है, आपके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं आपके शरीर को। अंडा मतलब ऐसे ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आज मैं आपको इन सभी बातों के बारे में बताने वाला हूं कि अंडा में होता क्या है, कितने अंडे आपको खाने चाहिए और अंडे के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, अंडा का खाना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अंडा खाने से शरीर में विटामिन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा अंडा खाने से प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3, फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं, जिसमें अनेक गंभीर बीमारियों को खत्म करने की क्षमता होती है और शरीर मजबूत और ताकतवर भी बनता है। लेकिन सीमित मात्रा में अंडा खाने से शरीर को फायदा होता है, यदि आप अंडे ज़्यादा खा लें तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि एक दिन में कितने अंडे खाना आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन उसके पहले आप समझिए कि अंडे खाने से फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला यदि मैं अंडा खाने के फायदे बात करूं, तो अंडे में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट और एमिनो एसिड जैसे पोषक तत्व मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। अंडे का सेवन करने से शरीर में आयरन यानी लौह तत्व की कमी पूरी होती है। नाश्ते में अंडे का सेवन करने से शरीर का वजन कंट्रोल रहता है। अंडे खाने से मोतियाबिंद, जो कि एक आँख की बीमारी है, जैसी गंभीर बीमारियाँ भी खत्म हो जाती हैं। अंडे का सेवन करने से आँखों की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। अंडे में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व दिमाग को हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और दिमाग की याददाश्त बढ़ाते हैं। अंडे खाने से हृदय हमेशा स्वस्थ रहता है। दूध और अंडे का सेवन करने से शरीर को विटामिन K पोषक तत्व मिलता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम करता है। तो ये तो हो गए फायदे, पर सवाल फिर वहीं के वहीं हैं कि एक दिन में खाएं तो कितने अंडे खाएं। तो दोस्तों, एक दिन में केवल 2 अंडे खाना सेहत के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिना जर्दी के एक दिन में आप 6 अंडे भी खा सकते हैं। जर्दी का क्या मतलब है, अंडे को कभी आप बॉयल अंडा देखें तो उसके अंदर 2 भाग होते हैं, एक सफ़ेद भाग और एक पीला भाग। उस पीले भाग को जर्दी कहा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा होता है और जो सफ़ेद भाग होता है वो प्रोटीन होता है। तो यदि जर्दी निकाल कर आप खा रहे हैं तो आप एक दिन में 6 अंडे तक खा सकते हैं। फिर ये आपके शरीर की क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं और आपकी डाइट कितनी है। लेकिन यदि एक सामान्य व्यक्ति सामान्य तरह से अंडा खाता है, अंडे की भुर्जी खाता है या कुछ भी अंडे का बनाकर खाता है, तो एक दिन में 2 अंडे का आप कुछ भी बनाकर खा सकते हैं, एक दिन में 2 अंडे खा सकते हैं। लेकिन बिना जर्दी के आप एक दिन में 6 अंडे खा सकते हैं। इससे शरीर को फायदा होगा और आपका शरीर मजबूत और ताकतवर बन जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अंडे के बारे में दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस तरह की और जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं तो आप फिर इस चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए जो आपको नीचे रेड कलर का दिख रहा होगा। सब्सक्राइब के बटन दबाते ही आपको बाजू में एक बेल यानी घंटी का आइकन दिखेगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो तो आपको लगातार मिलती रहे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है या आपका कोई दोस्त बहुत ज़्यादा अंडे खाता है तो उस तक ये वीडियो भेजिए, ताकि वो भी जान सके अंडे खाने के फायदे और कितने अंडे उसे दिन में खाने चाहिए, उसकी लिमिट। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।